नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व करने के साथ साथ सीएम की कुर्सी तो हाथ में ले ली, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे में ऐसी चूक कर दी कि अब मामला संभाले नहीं संभल रहा। फिर प्रवक्ता संजय राउत की दिनों दिन बढ़ती नाराजगी भी शिवसेना के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। उनके आए दिन आ रहे नए नए पोस्ट से अभी तक तो सिर्फ उनकी नाराजगी के कयास ही लगाए जा रहे थे, लेकिन अब अचानक ही वो अपनी पार्टी के खिलाफ तो नहीं क्योंकि खुद को सच्चे शिवसैनिक बताते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल कांग्रेस के खिलाफ फुल फॉर्म में आ गए और उसकी शुरुआत उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर टिप्पणी से की। दरअसल राउत पुणे में एक पुरस्कार समारोह में शिरकत करने गए थे, जहां के मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार में उन्होंने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे कांग्रेस को आपत्ति होना तय है। राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान अंडरवर्ल्ड के लोग तय किया करते थे कि पुलिस कमिश्नर कौन होगा और मंत्रालय में कौन बैठेगा। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी पायोधनी में, जो कि दक्षिण मुंबई का इलाका है, वहां करीम लाला से मिलने जाया करती थी। राउत ने बताया कि हाजी मस्तान के मंत्रालय में आने पर पूरा मंत्रालय उसे देखने के लिए नीचे उतर आता था। करीम लाला वो शख्स था जो 1960 से 1980 तक मुंबई में शराब की तस्करी, जुआ और जबरन वसूली रैकेट चलाने वाला डॉन था और इंदिरा गांधी उसी से मिलने के सिलसिले में मुंबई आया जाया करती थी। जिन लोगों ने भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया को करीब से देखा है, वो बताते हैं कि भले हाजी मस्तान को मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता हो, लेकिन मुंबई का पहला डॉन करीम लाला ही था, जिसका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। वो अफगानिस्तान में पैदा हुआ था और पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखता था और जब 21 साल की उम्र में भारत आ गया, साल 1930 में वो मुंबई पहुंचा और हीरे जवाहरात की तस्करी में शामिल हो गया और जब इसी कारोबार में उसकी पकड़ बढ़ी, फिर उसने सोने चांदी और हथियारों की स्मगलिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड काम शुरू किया, जिसके बाद वो सट्टेबाजी और ड्रग्स रैकेट के क्षेत्र में भी उतरा। साल 1970 तक करीम लाला की बादशाहत रही थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म जंजीर में जो प्राण का किरदार था, वो भी करीम लाला से ही प्रेरित था। साल 2002 में 90 साल की उम्र में करीम लाला की मुंबई में ही मौत हो गई थी। शिवसेना नेता ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर इतने गंभीर आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब डी कंपनी के सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी रहे एजाज लकड़ावाला ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। एजाज ने तो पाकिस्तान में मौजूद दाऊद के दो ठिकानों के बारे में भी बताया है। एजाज के मुताबिक दाऊद का एक घर पाकिस्तान के कराची के डिफेंस हाउसिंग एरिया में है और दूसरा घर क्लिफ्टन में है। दोनों घरों के एड्रेस भी एजाज ने बता दिए हैं। इतनी सब बातों के बाद जब इस पर राजनीति बढ़ती दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस को इंदिरा गांधी के लिए इतनी बात कहां बर्दाश्त, कांग्रेस नेता संजय निरुपम को इससे आपत्ति हुई। निरुपम ने ट्वीट कर राउत को हिदायत दी, लिखा, बेहतर होगा कि शिवसेना के मिस्टर शायर दूसरों की हल्की फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे तो पछताना होगा। इन्होंने जो कुछ भी इंदिरा गांधी जी के बारे में बयान दिया है वो वापस लें। उसके बाद फिर मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने भी राउत के बयान पर आपत्ति जताई। ट्वीट किया, इंदिरा जी सच्ची देशभक्त थी जिन्होंने देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के रूप में मैं संजय राउत से उनके गलत जानकारी वाले बयान को वापस लेने की मांग करता हूं। इसके बाद संजय राउत बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। राउत ने कहा कि इंदिरा और नेहरू के बारे में हमेशा सम्मान रहा है। जब मैं विपक्ष में था तो मैंने उस वक्त भी उनका सम्मान किया था और जब जब इंदिरा पर हमले हुए मैंने उनका बचाव किया। करीम लाला से मुलाकात वाले बयान पर राउत ने कहा कि क्योंकि करीम लाला अफगानिस्तान में ही पैदा हुआ, करीब 20 साल की उम्र में वो वहीं रहा, तो वो अफगानिस्तान के पठानों का नेता बन चुका था और इसी सिलसिले में उससे मिलने लोग आया जाया करते थे, जिसमें कई राजनेता भी शामिल थे। राउत का कहना है कि नेताओं की मुलाकात उनसे पठान नेता के रूप में हुआ करती थी। आपको बता दें कि जब गुरुवार को राउत ने इंदिरा गांधी को लेकर इतनी बड़ी बात कही थी, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो भी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात कर चुके हैं और उसे फटकार भी लगा चुके हैं। अब राउत के इन बयानों के बाद उनकी सफाई से क्या मायने निकाले जाएं, इस मुद्दे पर इंतजार है तो उद्धव ठाकरे की राय का वो पता चल जाए तो महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाए।